मैक्रो मोलिक्यूल फाउल इन ब्लड तो हेमोग्लोबिन जो है इट इज ए ब्लड में पाया जाता है आज फेरो और साथ में जो है हम देख लेंगे वो कह रहे हैं कि ये क्या है सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स ए नाइन सो चॉइस डी इज ओवर हेयर एलोट्रोप्स आर ऑफ सेम सेम एलिमेंट तो एलोट्रोप्स हमेशा एलिमेंट्स के होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स अगला जो है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ मानोसप्टीटेडलिगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवा दें तो फिर यह कितने प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है तो रिमेंबर एक हमें आर्थो तो प्रोडक्ट दे सकता है पेरा प्रोडक्ट दे सकता है और मेठा प्रोडक्ट दे सकता है सो थ्री प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर ए मानोसप्टीटेडीन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैलेक्ट्रॉन अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं केमिकल बॉन्ड मीन के आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं और इंटर फोर्स भी वो कहलाता है लेकिन इंटर मोलिकुलर फोर्सेज जो है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता सो चॉइस छाड़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिवेलप्ड वेन मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन आइनस अपने ही आइन में जब हम एक मेटल को डिप करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नो यूनिट इसकी कोई यूनिट नहीं होती

वॉटर इन द कप इज दिस्टम अब वाटर कप के अलावा भी काफी वाटर होगा लेकिन फिक्स जो हम रख चुके हैं कप में तो वाटर इन द कप इज सिम होल्डेबल नो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट अल्कलाई मेटल लाइज इन सो दे लाई इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स पोटेशियम रोबीडियम तो वो सारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन और मोशन जो है रोटेशनल भी हो सकता है वाइब्रेशन भी हो सकता है ट्रांसनेशनल भी हो सकता है सो चॉइस सी इज करेक्ट ओवर हेयर फेस सेंटर जो भी होगा तो फेसर क्यूबिक है इज द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ये हुए कॉर्नर पे पार्टिकल्स और साथ साथ में एक पार्टिकल फेस भी होता है सपोज करेंगे दिस इज फेस वाला पार्टिकल अब इसके साथ अगला जो सेल होगा तो उसमें ये कॉर्नर के पार्टिकल्स हुए तो जो फेस पे पार्टिकल है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू यूनिट सेल सो चॉइस डी इज करेक्ट ओवर हियर एक्चुअल ऑपरेशनल लॉसिज यस रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी साइड रिएक्शन यस सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट चॉइसिनिगोमीन एंड कोलिजिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू अच्छा कोलिजिन और लिगोमीन्स ये कनेक्शन करते हैं तो ये कनेक्टिव टिशू में मौजूद होते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ए नाइन इज ड्यू टू इनक्रीज इन रिपल्शन ऑफ ए नाइन तब बनेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो उसके अपने जो होस्ट इलेक्ट्रॉन है और गेस्ट इलेक्ट्रॉन उनिएट होता है जिसकी वजह से उसके साइज में इंक्रीज आएगा सो so दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ग्रेफाइड है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद ग्रेफाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन है और इट इज बाउंडेड टू तो थ्री कार्बन और इस तरह से ये अब बनाते जाएंगे तो ग्रेफाइड के ये हमें मिलेंगे तो इसी तरह से जो बोरान नाइट्राइड है चॉइस डी में तो उसका भी यही वो होता है ये नाइट्रोजन होता है बॉन्डी टू बोरॉन बॉन्डी टू बोरॉन इधर बोनॉन है बोरॉन फिर ये बोन इस फॉर्म में और नाइट्रोजन फिर अपना लोन फेयर भी इस्तेमाल कर देता है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक देट ऑफ ए ग्रेफाइट सो बोन नाइट्राइड जो है दैट इज़ द करेक्ट चॉइस द ऑर्डर ऑफ रिएफ इज इन्वर्सली प्रोपोशनल टू दंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ लाइफ को अगर हम देखते हैं तो टी वन ओवर टू इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वन नाउ ए इज इनिशियल कंसनट्रेशन एन इज दर्डर ऑफ द रिएक्शन तो अगर हम इसको ए वन ले लें तो ये हो जाएगा वन ओवर ए

जो अनहाइब्रिड पी आर्बिटल होते हैं तो वो अबाउ द रिंग ये डीलोकलाइज क्लाउड बना देते हैं और बिलो द रिंग ये डिलोकलाइज क्लाउड बना देते हैं सो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अब एंड बिलो द रिंग सो चॉइस सी इज करेक्ट ट इज दलर ऑफ सिल्वर एसिटेलाइट अच्छा सिल्वर एसिटेलाइट ये एक टेस्ट है for और उसमें अगर हम रिएक्शन कर दें सिल्वर के नाइट्रेड के साथ तो उससे हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और अगर कॉपर क्लोराइड uh, के साथ उसका रिएक्शन हो तो फिर सिल्वर जो है कॉपर एसिटेलाइट बनेगा तो वो रेड कलर का होता है तो यहाँ पे चॉइस बी इज करेक्ट नॉन पोलर कोवेलन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन जब भी सिमिलर एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा सो सिमिलर एटम इज ओवर हेयर यहां पे लिखा है कि होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल भी ठीक है क्लोरीन क्लोरीन से हम ये तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा लेकिन अब अगर हम ओजोन को ले लें ओ थ्री तो उसमें होमो न्यूक्लियर है लेकिन एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसी तरह अगर हम ई फोर ले लें इसी तरह अगर हम ले लें एस एट तो यहां से नॉन पोलर कोवेलन बॉन्ड इन सब में भी बनता है तो प्रॉपर चॉइस यहां पे हो जाएगा सिमिलर एटम्स नॉट होमो न्यूक्लियर डाइटामिकॉल क्योंकि ट्राइटामिक भी हैं बाकी भी हैं सो करेक्ट चॉइस इज सिमिलर एटम्स इन अ प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश तो प्रेशर कुकर में इट इज नोन इज बॉइलिंग एट हाई प्रेशर तो इस वजह से जो वाटर उसमें होगा राइस देन दी नॉर्मल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म है

तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग हाई ऑक्टेन नंबर वो फ्यूल जो गाड़ी के इंजन में नॉकिंग भी कम करता है और उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है तो जो फ्यूल ऐसा होगा उसका हाई ऑक्टेन नंबर होगा और जो फ्यूल नॉकिंग ज्यादा करेगा एफिशियंसी कम करेगा तो उसका लो ऑक्टेन नंबर होगा तो इसे रिफॉर्मिंग की जाती है और रिफॉर्मिंग में जो है एक फ्यूल को गुड फ्यूल बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं विच वन ऑफ देम इज यूज एज एन आठोमोबाइल एंटी फ्रीज

इन केस ऑफ ये एक दिया गया है फ्रॉम वेयर नंबरिंग इज स्टार्टेड हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे तो लुक इट दिस कार्बोक्सिलिकसिड ग्रुप इस कंपाउंड में मौजूद है और ओ OH एच ग्रुप यहाँ पे मौजूद है तो जो प्रियोरिटी लिस्ट है तो उसमें कार्बोक्सिलिकसिड प्रियोरिटी ज्यादा है. तो हम शुरू करेंगे यानी अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में मौजूद हो तो फिर हम प्योरिटी लिस्ट की मदद से उनकी नंबरिंग करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे मौजूद है तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ओ ग्रुप गिवन नंबर वन नो कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन नंबर वन पोजिशन येस सो बी इज करेक्ट चॉइस तो ये वन टू थ्री फोर तो ये हुआ फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड तो इसका नाम हो जाएगा वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड अच्छा लिक्विड वेपर प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो लिक्विड प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इनका जो है उसकी डिफरेंस से हम इसको मेजर करते हैं क्योंकि वो मरकरी जो है कॉलम वो इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है लेंथ में जब हम उसको मानोमीटर में लेते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर को मेजर किया जाता है रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय तो रेट कांस्टेंट को हम के से डिनोट ही करते हैं के इज ए यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। विच ऑफ दिस है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंथालपी इंथालपी यानी इंडोथर्मिक होगा कंबसन एग्जोथर्मिक है न्यूट्रलाइजेशन भी एग्जोथर्मिक है आटोमाइजेशन जो है वो आपको इंडोथर्मिक मिलेगा एटोमाइजेशन में हम एथमो को एक दूसरे से अलग करते हैं दैट इज एटोमाइजेशन तो उसमें हम एट्रेक्शन फोर्स तोड़ेंगे इस वजह से वो इंडोथर्मिक होगा

फोर रन रिएक्शन कर जाएंगे जब हम इसका एड करेंगे लिक्क्टेस्ट वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी सो पोलर नेचर ऑफ वाटर पोलर और भी कई सब्सटेंसेस हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं तो जो बेस्ट चॉइस है तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे में भी होता है लेकिन उनमें इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वाटर में होता है तो इस वजह से वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच वन ऑफ़ डी फॉलोइंग है इंटालपी चेंज इज़ आलवेज एक्सोथर्मिक की नेचर तो इंटालपी ऑफ़ सर कंबस्शन ये एक्सोथर्मिक होता है इंटालपी ऑफ़ सॉल्यूशन इंडो एक्सो दोनों हो सकता है इंटालपी ऑफ़ फॉर्मेशन भी इंडो एक्सो दोनों हो सकता है इंटालपी ऑफ़ टोमेश टोमाइजेशन सिर्फ इ

दी फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग और सब एनर्जी लेवल इज टू इंटू टू एल प्लस वन तो इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि एक सब एनर्जी लेवल में यानी s p d f इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे एल इज दुंटम नंबर उसकी वैल्यू लगाते जाएंगे तो यू विल गेट कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे

डिग्री सेल्सियसर दिया गया है एंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो इसके लिए जो फार्मूला दैट इज जनरल की अब कुछ वैल्यू नहीं दी गई तो वो इधर हम लगाएंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ मीथेन जो इसकी डेंसिटी होती है

क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इट इज नियॉन एंड उसके बाद जो है वो 3s1 तो नियॉन 3s1 इफ दिस इज 3 नियॉन 3s1 सो चॉइस बी इज करेक्ट ओवर हियर व्हेन आर द प्रीफिक्सेस ऑर्थो पेरा एंड यूज्ड तो मेटा एंड पेरा आर यूज्ड ओवर हियर इज मेटा एंड पेरा आर यूज्ड तो ये यूज होती हैं इन अरेन्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट सो चॉइस सी

और multiplied इसका molar mass, तो molar mass find करने के लिए ये हो जाएगा Ag2CO3, silver two है और एक है 107, उसका mass plus carbon 12 है और ऑक्सीजन सोलह तीन अड़तालीस हो जाएगा सो तो दो 212 46, तो सत चौदह एंड दो एकम दो प्लस ट्वेल्व एंड प्लस फोर्टी सिक्स तो सात आठ और बारह पांच सात और दो तो टू सेवेंटी टू से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हमें जो आंसर मिलेगा तो वो इसका जो है ग्राम्स होंगे तो यू विल गेट के दिस वन इज द आंसर तो ये था तो इसमें ज्यादातर चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों ने यानी जो कंपाउंड की यूजेज हैं तो उनसे भी वो ज्यादा वो जाहिर बात है कि आप मेमोरी से उनको याद रखोगे जुबानी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें थे लेकिन ज्यादातर मेमोरी चीजें जो है इस टेस्ट में मुझे मिली जो याददाश्त से रिलेटेड है विशिंग यू ऑल द बेस्ट